अच्छा, मुझे लगा आपका जो आपने बच्चों के लिए जो आपने बताया था कि बच्चे के लिए कैसे हम आगे ये कर सकते हैं, मतलब उनको स्कूल ना भेज के किस तरह से उनका कर सकते हैं यूट्यूब पे और कैसे, वो मुझे काफी अच्छा लगा। और अपना थोड़ा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा। मैं मर्चेंट नेवी में जॉब करता था पहले, और 2 साल हो गए छोड़ के, और इसी वजह से मैं छोड़ दिया। मैं जैसा आप बोलते हो अपने वीडियोस में जो बातें बोलते हो, और काफी अच्छी लाइफ थी, मगर फिर भी वो गुलामी की जिंदगी नहीं हो रही थी, तो एक पॉइंट पे आके फिर छोड़ दिया। उसके बाद अभी बिजनेस कर रहे हैं, और पर मन करता है तो मुझे आपसे एक पूछना था। काफी टाइम से मतलब मौका नहीं मिल रहा था कि आपने भी जैसे कि आईआईटी की में मतलब पढ़ाई की, इतनी मेहनत की और बहुत अच्छी जॉब पे भी थे, तो जब आपने सुपीरियर सोसाइटी बनाई या उससे पहले ऐसे कुछ टाइम आया होगा जब आपको मन करता होगा वापस जाने का अपनी पुरानी मतलब की जो जॉब की जो लाइफ होती है, अच्छी सैलरी और उसमें ना जब आदमी एकदम खींचती है वो अपने अपने तरफ, जो पुरानी चीजें जो कंफर्ट रहता है वो सब खींचता है, तो तब आपने उसको कैसे मैनेज किया ये मैं जानना चाहता हूँ। बिकॉज मेरे को भी कभी कई बार ऐसा होता है कि मुझे मन करता है कि मैं स्ट्रगल ना करूँ यहाँ पे और मैं वापस चले जाऊं और मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, तो कभी कभी मन करता है, लेकिन फिर मैं आपका वीडियोस देखता हूँ तो फिर मुझे फिर से हिम्मत मिलती है कि नहीं, हम सही रास्ते पे हैं। तो वो मुझे एक जानना था कि आपने उस दौर में जब क्राइसिस का टाइम था, जो सबसे बॉटम रॉक बॉटम बोलते हैं, उस दौर से आप कैसे गुजरे, कैसे आपने अपने आप को ओवरकम किया, क्योंकि ऐसे टाइम पे तो कोई होता भी नहीं है जो आपको बोले कि नहीं, तू जॉब में मत कर ये कर, अभी जो आप कर रहे हो ऐसा तो दुनिया में किसी ने नहीं बोला होगा कि आप ये काम करो, नौकरी छोड़ दो। तो ये मेरे को आपसे पूछना था। नहीं ना, तो नौकरी छोड़ने के बाद मैंने कोई स्ट्रगल किया ना, मैं अभी स्ट्रगल हाँ कर रहा हूं ना, उस जी जिंदगी में जाने का मेरा कभी मन किया। हाँ, पूरे 5 साल में 2 या 3 बार किया होगा, अधिकतम 3 बार किया होगा। मतलब मुझे तो एक ही बार याद आ रहा है, वो तो कभी कभी होता है अच्छा जब चारों तरफ से बहुत लोग दबा देते हैं। मतलब 5 साल में सब जगह से लोग दबाते रहते हैं कभी कभी हाँ ऐसा हुआ एक आधा बार जब वो जो दबाव है वो मैक्सिमम हो गया, तो बस एक बार फीलिंग आई, वो भी हाँ बहुत एक पासिंग थॉट आया, ऐसे कोई बहुत डोमिनेंट फीलिंग नहीं आई कि यार मेरे को ये सब छोड़ के उधर ही जाना चाहिए या उधर ही रहना चाहिए। तो मैंने बताया कि इफेक्टिवली ना तो मुझे ये संघर्ष लगता है, और ना मैं संघर्ष हाँ किया ना मैं कर रहा हूँ, और ना मेरा उधर जाने का मन करता है, ना वो लाइफ को मैं मानता हूँ कि बेहतर थी इस लाइफ से, और ना मैं मानता हूं कि मेरे जो कलीग्स थे, एक्स कलीग्स थे, वो आज किसी बेहतर स्थिति में मुझसे या कोई सार्थक या मीनिंगफुल कर रहे हैं। मेरे कलीग्स तो क्या, मेरे हाँ साथ पढ़ने वाले सारे आईआईटियंस अपने जीवन में कुछ मीनिंगफुल कुछ सार्थक कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। मेरे को तो लगता है कि सबसे जो सार्थक जीवन जीने वाला आईआईटियन कोई कर रहा है अपनी जिंदगी में, वो मैं ही कर रहा हूँ। मतलब एक हाँ आईआईटी सबसे बड़ी चीज और पहली चीज और सबसे सार्थक चीज करनी चाहिए, वो आईआईटी सिस्टम का बहिष्कार करना चाहिए, ये उसको करनी चाहिए, तो वो तो मैं ही कर रहा हूँ ना। राइट 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 तो मुझे तो इससे ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीने वाला कोई मिलता नहीं है। तो हाँ बाकी तो क्या, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हूँ, कहीं मुझे जाना होता है अपने हिसाब से जाता हूँ, जब सोना होता है जब उठना होता है, जब गिटार बजाना होता है जब माउथ ऑर्गन बजाना होता है, जब ढपली बजानी होती है अपने हिसाब से बजाता हूँ। और सर्वाइवल के लिए हाँ बहुत से शहरों के अंदर मेरे को रहने के लिए कहीं पर कमरे के अंदर जगह मिली हुई है, कहीं पर कमरा मिला हुआ है, कहीं पर फ्लैट मिला हुआ है, कहीं पर पेंट हाउस मिला हुआ है, वहां पर खाने की व्यवस्था है और घुमाने की व्यवस्था है, कोई हाँ कहीं पर स्कूटी मिली हुई है, कहीं पर कोई गाड़ी में घुमा देता है ना, हाँ तो हर जगह हाँ व्यवस्था है। कहीं छोटा मोटा जो धन की रिक्वायरमेंट होती है वो सब लोग भेज देते हैं, जैसे पृथ्वीराज ने अभी कल हाँ परसों 300 रुपए भेजे, या आकाश त्रिपाठी ने पिछले महीने 100 रुपए भेजे, इस महीने ये चाणक्य तिवारी ने मुझे 150 रुपए भेजे, अभी आपसे भी मांग लूंगा आप भी कुछ मुझे भेज देंगे, और नहीं भेजेंगे तो मैं आपको जलील हाँ करूंगा कि 3 रुपए तो भेज दो यार, तो आप शर्म के मारे 50 रुपए भेज देंगे। हाँ
है ना, तो ऐसे ठीक है, तो ऐसे कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ अपने अनुसार भेजता रहता है, और मुझे उस पर हाँ शर्म आती भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि मैं सोसाइटी के किसी काम का हूं तो इट इज सोसाइटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मेरे बेसिक सर्वाइवल का टेक केयर करे। क्योंकि हाँ 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 राइट आप ये बात को माने या ना माने, लेकिन जाने अनजाने में आपके शहर का जो सफाई कर्मचारी है, जो आपका कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के अंदर जो भी बाबू है, जो भी उसके अंदर पियोन है, जो भी हाँ विधायक है, पार्षद है, वहां का कलेक्टर है, वहां का पुलिस वाला है, वहां का जो जो भी दरोगा है, सबकी सैलरी आपके जेब से जा रही है। तो आपको यदि लगता है कि मैं एक सांसद, एमपी लेवल तक का आदमी, मतलब मैं उसकी औकात रखता हूँ, उस लेवल का कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए यदि आपने अपनी जेब से मुझे 1 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए प्रति महीने भेज दिए, तो वो आपका अधिकार है, मतलब वो मेरा अधिकार है और वो आपका फर्ज है। हाँ तो बस ये सारे जो मैंने आपको पैरामीटर्स गिनाए हैं कि मेरी दिनचर्या कैसी है, मैं किस प्रकार काम कर रहा हूं, मेरा सर्वाइवल कैसे हो रहा है, तो ये तो बहुत हाँ आदर्श आदर्श जीवन में मैं जी रहा हूं। हाँ, बहुत सारे राइट काम राइट करने राइट जरूर राइट बाकी हैं, तो वो मैं करता रहता हूँ, जैसे कि मानव चेतना विकास केंद्र के बारे में जाना, एक्सप्लोर करना, बाकी सब लोग नहीं जा सकते थे, तो वहां खुद जाना, एक्सप्लोर करना, हाँ उसके हाँ हाँ बारे हाँ बाहर जाकर लोगों को बताना, ये सारे में काम करता हूँ। जो हाँ पॉलिटिकल रिफॉर्म है, हाँ बाकी लोग व्यस्त हैं, तो उनको मैं ऐसा बोलता हूँ हाँ कि भाई तुम 5 तारीख को महीने में 5 बजे एक बार जाके 5 मिनट के लिए पोस्ट कार्ड डाल दो, ये मिनिमम एफर्ट है पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। मैक्सिमम जो एफर्ट है वो चुनाव के लिए उतर जाना है, तो चुनाव के लिए मैं उतर गया यहाँ के इलेक्शन में। अभी राजस्थान के और एमएलए बाई इलेक्शन आ रहे हैं अगले महीने, उसके अंदर भी मैं उतर रहा हूँ। तो ये सारे काम मतलब जो भी हाँ सोसाइटी के लिए करने होते हैं, जो मेरे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ वो मैं कर देता हूँ, उसके बदले में मेरा मेरा रिवॉर्ड मिल जाता है सोसाइटी से, तो इसमें कोई संघर्ष नहीं है, हाँ तो ये मेरा हाँ हाँ एक्सप्रेशन हाँ है। तो ऐसे आप देखिए आपका एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, ओके इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब छोड़ना ही होता है। जैसे कि यहाँ पर आकाश त्रिपाठी मौजूद है, तो आकाश त्रिपाठी ने कहा कि ये तो अपने जॉब के अंदर संतुष्ट है, और जो हाँ भी जॉब के अंदर जो भी की व्यक्ति को जो एक मेंटल क्या बोलते हैं उसको, मेंटल टायर्डनेस फील होती है, फैटिक फील हाँ होता है, तो वो तो हाँ यार आपका एक साइकोलॉजिकल इशू है। तो उस साइकोलॉजिकल इशू को यदि आप सॉर्ट आउट कर लें, तो यू कैन क्रिएट अ ग्रेट बैलेंस इन योर जॉब। राइट 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 कुछ लोगों को वो बहुत अच्छा भी लगता है, मतलब वो जिंदगी काफी, हमें भी काफी अच्छी लगती थी जब तक शुरू शुरू में, जैसे कुछ शुरू शुरू में काफी अच्छा लगता है ना जॉब की, ये खरीद लो वो खरीद लो, काफी अच्छा लगता था। बट सही है, बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसा कर रहे हो और सही रास्ते पे हो, और हम आपके साथ हैं। आप पुणे हो गए तो जरूर मुलाकात होगी और आगे भी चर्चा होगी।